मध्य प्रदेश उमरिया जिले की है, जहां आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार को सुबह 11 बजे उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो के बाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान की भाजपा सरकार को पैसे के दम पर खरीद फरोख्त करके बनाई गई सरकार करार दिया। कमलनाथ ने कहा है कि आज सरकार में चारों ओर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हावी है, पूरे प्रदेश को सट्टा और जुआ का गढ़ बना दिया है। सरकारी एजेंसियां मोटा कमीशन लेकर बड़ी बड़ी टेंडर दे रही है और सभी निर्माण कार्य अधूरे हैं। उमरिया की बस स्टैंड में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डाला डाल रही है। हमने 57 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था और भाजपा ने किसानों को डिफॉल्टर बताया है। हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त से सौदेबाजी कर शिवराज सरकार बनी है, जिसे आगामी विधानसभा के चुनावों में जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा और झूठ की मशीन है। जहां नदी नहीं है वहां पे भी वे पुल बनाने की घोषणा कर देते हैं। यह आरोप बुधवार को उमरिया के बस स्टैंड में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि हमने वर्ष 2018 में साफ नियत से सरकार चलानी शुरू की थी, लेकिन शिवराज सिंह और भाजपा ने खरीद फरोख्त कर सरकार बना ली। हमें कुर्सी का मोह नहीं है। शिवराज सिंह सरकार की विकास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास नहीं भाजपा की प्रदेश से निकास यात्रा है। लोगों ने शिकायतें करी, दिल्ली में नाखुश थे, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी होल में रखते हैं, इसकी कर लेंगे। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा काफी जोरों पर है, कांग्रेस का क्या प्लान है? या मध्य प्रदेश में कौन सा सट्टा जोरों में नहीं है? कौन सी शराब, घर घर में शराब दी, बेरोजगारी दी, ये इनकी उपलब्धि है? आप सट्टे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा? बिल्कुल हम रोक लगाएंगे, हम कानून बनाएंगे। सर मेरा एक सवाल है, अभी शिक्षा सरकार की पिछले सरकार की मुख्य घोषणा थी, उसमें आप संविदा कर्मचारियों की क्या? हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा में आखिरी पेश किए 27 लाख पहली किस्त, उसके बाद समय नहीं था, 11 महीने थे। दूसरी किस्त शुरू हुई थी, इन्होंने रोक दी। मेरा लक्ष्य था कि कृषि क्षेत्र पे क्रांति आए। कृषि क्षेत्र में हमारी मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, 70% किसान नहीं है, पर जो ट्रैक्टर चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो पंप की मरम्मत करता है, तो 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। उनको तो दोष देना चाहिए बीजेपी को, उन्होंने क्यों बंद करी कर्ज माफी की विधि? सर किसानों की नाराजगी है, इससे तो कांग्रेस की बिल्कुल किसानों की नाराजगी नहीं है। किसान को जो भटक रहा है बीज और खाद के लिए, आज जो न्याय के लिए भटक रहा है, सही मूल्य के लिए भटक रहा है, सबसे पीड़ित आज प्रदेश में हमारे नौजवान और किसान है। सर आप सभी पे जा रहे हैं, आपका चेहरा क्या होगा मुख्यमंत्री के लिए, जिस तरह से कांग्रेस के मुद्दा है आज अभी जो मैजर चल रहा है, इस समय जो चेहरे पे जो राजनीति हो रही है कि भावी मुख्यमंत्री? देखिए ये कोई धारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के कोर्ट में नहीं हूँ, मैंने ये खुद कहा है। मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखता हूँ, वो केवल पद से नहीं होगा। सर चेहरा खुद कहता हूँ, सर संविदा कर्मचारियों के लिए लगातार मांग कर रहे हो, धरने पर बैठ रहे हो, मैंने क्या कहा? मैंने संविदा आपने भी वादा किया है, हमारे संविदा के हुए, हमारे आउटसोर्स वाले हुए, आज आउटसोर्स में कोई आरक्षित कोई मिनिमम पे नहीं, उल्टा जो आउटसोर्स का देता है वो तो कमीशन देता है और वो कमीशन ऊपर तक जाती है।